अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायका टीम से मिसेज आना मनावर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज व्यूअर्स, काफी दिनों से हम बहुत शोर देख रहे थे कि टीवी पे बड़ी एड चल रही है सॉन्ग की कि आज देखेंगे क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे। तो आज आप क्राउड देखेंगे जायका एंड टिप्स पे। आज हम बनाने वाले हैं बड़े ही मजे के क्राउडेड, तो व्यूअर्स क्राउडेड पकौड़े, मजेदार पकौड़े। तो चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो क्राउडेड पकौड़े बनने लगे हैं, इसके लिए हमने ली है, ये गोभी लिया, एक फूल मैंने लिया था, साफ सुथरा करके धो लिया मैंने। तो इसको हल्का सा हम बॉयल कर लेंगे ताकि जो भी मैल के चैल होगी वो निकल जाएगी, एक तो, और दूसरा ये कि गोभी जरा नरम हो जाएगी। पानी भी वैसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी उबल रहा है हमारा, इसमें हम डाल देंगे गोभी, टीस्पून के बराबर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। गोभी को ज्यादा नहीं बॉयल करना, सिर्फ एक बॉयल आने पे हम इसको उतार लेंगे, एक बॉयल आने पे हम इसको बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे चूल्हे को। ये इसलिए थोड़ा बॉयल किया है कि मैल के चाले एक तो निकल जाए, गोभी की जो छिड़काव किया होता है उन्होंने, स्प्रे की होती है, वो नहीं होगी, दूसरा ये थोड़ा सा नरम हो जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह व्यूअर्स प्लेट नीचे रख के, इस तरह के बर्तन में जिससे पानी जो है बिल्कुल ड्रेन हो जाए, इसमें हम निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हम बाकी जो चीजें हैं वो तैयार करेंगे। हमने इसके लिए मसाले लिए हैं, कुटी हुई मिर्च ली है एक टीस्पून, और चिली पाउडर ली है एक टीस्पून, एक टीस्पून ही हमने नमक लिया है, हाफ टी स्पून लिया है कुटा हुआ हमने धनिया, और कुटा हुआ एक टीस्पून लिया है कुटा हुआ हमने मसाला, ये चाट मसाला लिया है एक टीस्पून, और एक चुटकी लिया मैंने हल्दी, ये इसमें जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे ये 3 स्पून लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, 3 स्पून हमने ले लिया कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच लेंगे हम मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर 2 चम्मच लिया, 1 चम्मच लेंगे हम चावल का आटा, आप मकई का आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, जौन सा आपके पास मौजूद हो वो ले सकते हैं आप। ये सारे मसाले डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। क्राउडेड नाम इसका रखा, इसलिए रखा है कि 20 तारीख को पाकिस्तान में जो PSL हो रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग जो मैचेस हो रहे हैं, गेम्स हो रही हैं, उसके नाम कर रहे हैं पकौड़े। तो आज जो है ये जायका एंड टिप्स में क्राउडेड होगा, ग्रूम टीवी पर नहीं, जायका एंड टिप्स में। इंशाल्लाह उन दिनों में इस चीज का क्राउड होगा और ये लोग पकौड़े बना बना के खाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार ये पकौड़े बनते हैं गोभी के। ये हमने मिक्स कर लिए, थोड़ा सा हम निकाल लेंगे मैरिनेट करने के लिए, और कुछ हम ड्राई रखेंगे ये, और कुछ हम ऐसे निकाल लेंगे मैरिनेट करने के लिए, ये हम ड्राई रखेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए हमने मसाले वाला दही लिया, इसमें सिर्फ मसाला जो है ना वो मिक्स किया हुआ, ये हमने दही लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, आप पाउडर भी ले सकते हैं, लहसुन अदरक का पाउडर ले सकते हैं आप। इसको हम मिक्स करेंगे, अगर ये कम होगा दही तो हम या दही और डाल लेंगे, या हम थोड़ा सा पानी 2 चम्मच डाल लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, फिर मिक्स करेंगे।
ये जी पकौड़ों को गोभी को मैरिनेट करने के लिए, क्राउड बढ़ाने के लिए हमने प्यारा सा ये बना लिया जी बैटर। अब इसमें थोड़ा सा कलर यूज़ करेंगे हम, आपकी पसंद है आप जौन सा मर्जी कलर यूज़ कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करूँगी। देखें कितना क्या है, थोड़ा सा स्पाइस आ जाए ना। जायका एंड टिप्स में भी क्राउड हो जाएगा व्यूअर्स। सॉन्ग आया है, बेचारे लोग नसीबोलाल के पीछे पड़ गए हैं, उसका क्या कसूर है, उसको तो नहीं ना दोष देना चाहिए कोई भी व्यूअर्स। उसको तो जो कहा गया है वो उसने गा दिया, ये तो जिसने लिखा गाना उसको है ना पता होना चाहिए था कि लफ्जों का क्या मानी है क्या नहीं। हमें खुद नहीं पता था ग्रुप का क्या मानी है, हम पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता, तो वो तो अनपढ़ है, उसे इंग्लिश के लफ्जों का कहाँ से पता है। तो इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, ये भी मिक्स कर लेते हैं। काफी दिनों से व्यूअर्स हम शोर सुन रहे थे इस गाने का, इस सॉन्ग का, जो नसीबो लाल ने और आयमा खान ने ये इसको गाया है कौमी तराने को, तो हम भी शोर सुन रहे थे। हमने कहा हम भी जरा क्राउड पैदा कर दें, ताज व्यूअर्स बनेगा क्राउड पकौड़ा। इसको व्यूअर्स करते हैं हम साइड पे। अब हम ले आएंगे ये जो ड्राई मैंने हमने रखा था, तब उनको ऐसे करेंगे जी, गोभी जो ड्राई हो गई हमारी, इसको थोड़ा इसमें जो ड्राई हमने बनाया था बैटर उसको ऐसे कर करके रख लेंगे। तो व्यूअर्स देखें एक दफा ये कोड होने से इस तरह से हो गए गोभी। अब हमने जो बनाया था इसको मैरिनेट करने के लिए, उसमें हम मैरिनेट करेंगे ऐसे करके, फिर दोबारा से एक कोड जो है इसका करेंगे। इस तरह से कोड करने से बड़े क्रिस्पी पकौड़े बन जाएंगे। इस तरह से हम करते हैं सारे पकौड़ों को। तो प्यारे दोस्तों ये डबल कोट करने से कुछ इस पोजीशन में आ गए हमारे पकौड़े। तो इस टाइम पे हम इनको किसी भी चीज में, किसी जो पेपर है उसमें रैप करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप ज्यादा बना के कुछ फ्रिज में रख लें, कुछ तल लें, कुछ बाद में तल लें, तो ये आप भी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको बताना था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम अब इसको फ्राई करते हैं। तो ऑयल मैंने व्यूअर्स रख दिया था ऊपर हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे हम इसको तलेंगे, ज्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम रखना है। तो एक कोड़ा हम डाल के चेक करते हैं कि हमारा ऑयल जो है कितना गर्म हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कोड़ा जो है हम तल के देखते हैं। चले हम बाकी भी डालते हैं बस वन वन करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुर्गे मसल्लम भूल जाएंगे आप, मैच देखेंगे और आप ये पकोड़े बनाएंगे। एक दफा बन गए तो आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मजेदार बनते हैं। गेस्ट आएंगे मिलके आप मैच देखिएगा और ये क्राउड जमा कीजिएगा और पकोड़े बनाइएगा, तो मिलके खाइएगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मसाले हमने काफी यूज किए हैं, आप इन मसालों को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्पाइस रखा है। इनमें हमने ग्रूम पैदा किया है सॉन्ग की तरह, ये क्राउड जमा होगा। ये पकोड़े जहां भी बनेंगे, जो भी बनाएगा उसके घर में क्राउड हो जाएगा,
कि हाँ भाई हमने भी खाने हैं। तो ये पकोड़े देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, इसीलिए मैंने इनके नाम क्रोडल रख दिया कि जो एक दफा खाएगा वहां क्रोड हो जाएगा। ऊपर से देखें ये कितने खस्ता खस्ता है, अंदर से ये सॉफ्ट है क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा बॉयल कर लिया था। बहुत ही मजे के हैं ये आप टिक्के कबाब भूल जाएंगे ये बनाएंगे खाएंगे तो। ये आप चटनी के साथ ले सकते हैं, ये आप चटनी के साथ ले सकते हैं, केचप के साथ ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ लेंगे क्योंकि क्राउडेड पकौड़े हैं ना ये, जहाँ क्राउड होगा वहाँ गर्मी हो जाएगी, मैच देखेंगे साथ टीवी पे, घरों में क्राउड होगा, ग्राउंड में नहीं होगा, घरों में होगा क्राउड। तो कोल्ड ड्रिंक के साथ मजेदार पकौड़े, बस मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, चटपटी चीजें। इंशाल्लाह हम मैच के दौरान चटपटी चीजें बनाएंगे। तो नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद।